नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2024 का मैच नंबर 56 खेला जाएगा 7 मई को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से, यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा इस मैच में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा हर आईपीएल मैच से पहले फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 56 के लिए अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के अभी तक 3 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं और सभी 3 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 249 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 222 रन्स का रहा है। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है, उस टीम को पूरी तरीके से एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2024 में सभी 3 मुकाबले फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर काफी अच्छी तरीके से आती है, तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं। और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर हाल फिलहाल में काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं। इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, तो फिर से आप एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 में अभी तक जो 6 पारियां इस मैदान पर हुई हैं, उनमें से 2 पारियों में आपको 250 के ऊपर का स्कोर देखने को मिला है, जबकि 3 पारियों में 200 के ऊपर का स्कोर बना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आईपीएल 2024 में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो अरुण जेटली स्टेडियम ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है, यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 64 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 59 मीटर्स की है और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 73 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान होने की वजह से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। और इस मैच में भी जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के पास मौजूद होगी, एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 में इस मैदान पर जो 3 मुकाबले फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, उनमें से 2 मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 250 के ऊपर देखने को मिला था, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गया था। और एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 224 रन बनाए थे और उसको भी सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। तो इस आंकड़े से ये बात साबित हो जाती है कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है, तो उनको पहली पारी में बहुत बड़ा स्कोर बनाना होगा, मतलब 230 के आसपास या फिर 230 के ऊपर, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 के आसपास या फिर 200 से नीचे बनता है, तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी।
पिच कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा और बड़ा स्कोर बनाकर चेजिंग टीम पर प्रेशर डालने का प्रयास करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो एसआरएच का है डीसी के खिलाफ 266 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। लोएस्ट टोटल डीसी का है एसआरएच के खिलाफ 199 ऑल आउट। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो डीसी ने किया है जीटी के खिलाफ 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 26 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 14 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 19 विकेट्स लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 7 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 2 विकेट लिए हैं, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हैं। तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 9 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 3 आईपीएल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही है, इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, नई गेंद स्विंग भी करती है जबकि उनको पिच से सेम मूवमेंट भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के पावर प्ले ओवर्स में फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर्स में सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे वो आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी और फिर तेज गेंदबाजों को भी पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। फास्ट बॉलर्स मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में तभी विकेट चटकाने में सफल होंगे जब वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे यानी कि ऑफ कटर्स और स्लोअर डिलीवरीज फेंकेंगे। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो आईपीएल 2024 के जो 3 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप और टर्न मिलता है जिसके कारण स्पिनर्स ने भी इस मैदान पर थोड़े विकेट चटकाए हैं। और इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद होंगे जो कि दोनों इनिंग्स के मिडिल ओवर्स में 2 या 3 विकेट्स ले सकते हैं। पर अभी भी मेरा यही मानना है कि इस मैच में आपको तेज गेंदबाज स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिर राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जेक फ्रेजर मैकगर के साथ अभिषेक पोरेल, नंबर 3 पर आ सकते हैं शेह होप, नंबर 4 पर ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 5 पर कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, नंबर 6 पर अक्षर पटेल, नंबर 7 पर कुमार कुशाग्र, नंबर 8 पर कुलदीप यादव, नंबर 9 पर खलील अहमद, नंबर 10 पर लिजात विलियम्स और नंबर 11 पर मुकेश कुमार आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म फास्ट बॉलर रसिक सलाम को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज कुमार कुशाग्र की जगह पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर आ सकते हैं कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, नंबर 4 पर रियान पराग, नंबर 5 पर शिमरन हिटमायर, नंबर 6 पर रोमन पावल, नंबर 7 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 8 पर आर अश्विन, नंबर 9 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 10 पर आवेश खान और नंबर 11 पर संदीप शर्मा आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान रॉयल्स की टीम गेंदबाजी करेगी तब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम राइट आर्म लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को इस्तेमाल कर सकती है बल्लेबाज जॉस बटलर की जगह पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें
तो आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का आमना सामना टोटल 28 मैचेस में हुआ है, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मैचेस जीते हैं जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 15 मैचेस जीते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। इसके अलावा जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं उसमें भी राजस्थान रॉयल्स को एज हासिल है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अरुण जेटली स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मैचेस जीते हैं जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 3 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 380 रन बना चुके हैं 47 के एवरेज और 159 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप ट्रिस्टन स्टब्स को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 272 रन बनाए हैं 68 के एवरेज और 192 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रियान पराग के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 409 रन बना चुके हैं 58 के एवरेज और 159 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 385 रन बना चुके हैं 64 के एवरेज और 159 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मुकेश कुमार के साथ जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं 11 की इकोनॉमी और 11 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं 8 की इकोनॉमी और 16 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ से राइट आर्म लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुके हैं 9 की इकोनॉमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर आवेश खान के साथ भी जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं 9 की इकोनॉमी और 21 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जो कि पावर प्ले ओवर्स में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और हर मैच में 1 या 2 विकेट जरूर लेते हैं। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 11 मैचेस खेले हैं उसमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 6 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम है जिसने आईपीएल 2024 में अभी तक 10 मैचेस खेले हैं उसमें से 8 मुकाबले जीते हैं जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले इस सीजन काफी बेहतर रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन जो 2 मुकाबले हारे हैं उन दोनों मुकाबलों में लास्ट बॉल पर जाकर राजस्थान रॉयल्स को हार मिली थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आईपीएल 2024 में किसी भी टीम के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत दर्ज करना कितना मुश्किल रहा है और इस मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स के सामने बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो चाहे बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट हो या फिर गेंदबाजी का, हर लिहाज से इस समय राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वैसे ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा जो कि दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है और इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है क्योंकि वो 2 मुकाबले इस सीजन में जीत चुके हैं। लेकिन इस मैच में जिस प्रकार की फॉर्म में राजस्थान रॉयल्स की टीम आ रही है एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो फॉर्म वाइज दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा काफी भारी है और ऐसे में इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2024 का मैच नंबर 56 जीतेगी, दिल्ली कैपिटल्स या फिर राजस्थान रॉयल्स? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।